गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ आपका इंग्लिश क्लासेस में वेलकम है बेटा। हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमने सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना हमने पढ़ लिया था। दो सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड बनाना, तो कंपाउंड के कुछ एग्जांपल हैं। मेक हेडिंग देखिए, मेक कंपाउंड सेंटेंस सेंटेंसेस यूजिंग टू सिंपल सेंटेंस। टू सिंपल सेंटेंस, ये यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, या फिर कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, पहला आई वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट। आई सॉ ए ब्यूटिफुल वॉच। आई सॉ ए ब्यूटिफुल वॉच। आई कुड नॉट However, purchase it. Second है, he is slow, he is regular. Do not be a borrower. Do not be a borrower. Do not be a lender either. Do not be a lender either. Get it, you may catch cold. Get in, you may catch cold. ठीक है, देखो पहला वाला है आई वेंट टू द मार्केट। मैं मार्केट गया, मैंने एक ब्यूटीफुल वॉच देखी लेकिन फिर भी मैं उसको खरीद नहीं सका। तो आई वेंट टू द मार्केट एंड सा ए ब्यूटीफुल वॉच। But could not purchase it. ठीक है,
फिर आता है ही इज स्लो बट रेगुलर, ही इज स्लो बट रेगुलर। इसमें बट का यूज दो में हुआ है। देखो आई वेंट टू द मार्केट, आई सॉ अ ब्यूटीफुल वॉच, तो ये दोनों तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है आपको। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दो या दो से तीन जितने भी है वो इंडिपेंडेंट है। तो एंड ये दोनों तो, और ये तो गए, इसका मतलब आई वेंट टू मार्केट, और फिर एंड भी कंपाउंड सेंटेंस होता है दोनों, साय ब्यूटीफुल वॉच और बट, लेकिन खरीद नहीं सका, हाउएवर। ठीक है, उसका रीजन तो नहीं दे रखा है, लेकिन बट यूज कर सकते हो, विरोधाभासी है, यानी ये एडवर्सिटिव कंजक्शन अपन बट यूज कर सकते हैं। ही स्लो बट रेगुलर, इसमें एंड यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये एडवर्सिटिव है, स्लो एंड रेगुलर। फिर है डू नॉट बी ए बोरोवर एंड डू नॉट बी ए लेंडर इधर। इसमें आपको दोनों ही बोरोवर और लेंडर जो हैं एक दूसरे के क्या है, एडवर्सेटिव है, लेकिन इसमें इधर का यूज हो रहा है। ठीक है, इधर का यूज हो रहा है, यानी आप इसको ऑप्शनल वाले में, यानी इलेक्ट ऑप्शनल जिसको हम कह सकते हैं कि आपको इसमें ऑप्शन वाले जो आइदर और ना इधर और ना नोर के बीच में निधर नोर इधर और के यूज कर सकते हैं कि निधर ए लेंडर, जिसमें आप बी का यूज कर सकते हो, निधर ए लेंडर और नोर ए बोरोवर। इसमें बी का यूज बाद में करना है आपको। ना तो आपको एक लेंडर होना है और ना ही आपको एक बोरोवर होना है। ठीक है, गेट इन यू मे कैच, तो इसमें अदरवाइज यूज हो सकता है, नहीं तो गेट इन अंदर आ जाइए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी, लग सकती है। अदरवाइज यू मे कैच कोल्ड। या फिर और का यूज कर सकते हो, अन्यथा अथवा। फिर देखिए, डू नॉट रन सो फास्ट यू मे फेल, डू नॉट रन सो फास्ट यू मे फॉल, तुम गिर सकते हो। आई शैल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, I shall try to
सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई कैन नॉट, अश्योर यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज हार्ड वर्कर, नेक्स्ट है इसमें ही इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, I could not have a sound sleep. ठीक है, तो इसमें देखिए, डू नॉट रन फास्ट, ज़्यादा तेज मत दौड़ो, यू मे फॉल। तो इसमें एल्स और अदरवाइज डू नॉट रन सो फास्ट, अदरवाइज यू मे फॉल। आई शैल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई कैन नॉट अश्योर यू, बट का यूज हो सकता है इसमें इजली, ये स्टिल आई शैल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, इसमें आप बट यूज कर सकते हो या फिर हाउएवर, स्टिल, यट, तो भी मैं आपको आई कैन नॉट अश्योर यू। इसमें ही इज हार्ड वर्कर, ही इज इंटेलिजेंट, तो इसमें बोथ हैंड का प्रयोग कर सकते हो, ही इज बोथ हार्ड वर्कर एंड इंटेलिजेंट। अब इसमें परिणाम सूचक है, इलेटिव कंजक्शन है, तो सो देयर फोर, ही, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, सो आई कुड नॉट, सो इट कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, सो इसलिए, या देयरफॉर, देयरफॉर इट कुड नॉट हैव साउंड स्लीप। अच्छा, इसमें इलेटिव के अंदर आपने सिंस फोर का प्रयोग यूज कर रखा है ना,
इसमें सिंस और हैंस, तो सिंस हैंस अगर इसको यूज नहीं करना यहाँ पे तो सिंस हैंस आगे लगा दो, क्योंकि हैंस जैसे सिंस चूंकि गत रात्रि काफ़ी गर्म थी, ठीक है, इसको शुरू में लगा सकते हैं, इसको बीच में लगा सकते हैं। फिर आ जाओ आप कि मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यूजिंग सिंपल सेंटेंस, यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको बताया था, एक तो होता है स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज, ठीक है, यह आपको बताया था, और एक जो होता है परतंत्र यानी डिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजक्शन है इससे पहले लगेगा, परतंत्र से यानी डिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगेगा, ये ध्यान रखना। कंजक्शन कहाँ लगेगा? डिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगेगा। ठीक है, इसमें सिंपल सेंटेंस का यूज करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के तीन तरीके दिए गए हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लोज। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे आप, जो वीडियोस हमने क्लोज के ऊपर बनाई है ये सेम उसका रिपीटेशन हो गए, तो उसको आप ध्यान से समझ लें, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। तो डायरेक्ट हम नॉन नाउन क्लॉज के एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्लोज सेक्शन में, इसलिए हमें इसकी डायरेक्ट आपको एग्जांपल कराना है। यू आर टेलिंग ए लाई, इट इज नॉन टू ऑल। पहला देखो, यू आर टेलिंग ए लाई, इट इज नॉन टू ऑल। ठीक है, ही इज अ थीफ, he is a thief, everybody knows it,
ठीक है, या इट किसके लिए आया है? ही इज अ थीफ, एवरीबडी नोज इट, ये इसके लिए आया है। डट यहाँ तो लग जाएगा बीच में, ही इज अ थीफ डेट एवरीबडी नोज, यहाँ पर इसके पूरे पहले आया है, तो डेट यू आर टेलिंग ए लाई इज नोन टू ऑल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपको ये चीज सब्जेक्ट है और ये इसके पूरे के लिए आया है, तो ये इससे पहले लगेगा। ही इज ए थीफ, एवरीबडी इज नो नोज इट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इससे पहले लगेगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट एवरीबडी नोज ही इज अ थीफ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो जो क्लोज सेक्शन है उसको आप पूरा पढ़ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम टू सेम वही है, उसी चीज़ का रिपीटेशन है। फिर आप क्या आता है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब में आपके ब्रेक से बनने वाला है, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न। ठीक है, इस तरीके से आपको इन सभी को लर्न करना है, जिसमें क्या है कि कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हैं, इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, अब वो फ्रेजल वर्ब होती क्या है, जैसे एक फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। अब जिसको फ्रेजल के बारे में पता नहीं वो क्या सोचेगा कि ब्रेक और आउट अलग अलग है, यानी तोड़कर बाहर, तोड़ना बाहर, बाहर तोड़ना ब्रेक आउट नहीं, इसका मतलब होता है फैलना। ब्रिंग अप ऊपर लाना नहीं होता है, लालन पालन होता है। इस प्रकार से इनके बहुत सारे प्रयोग हैं, ठीक है, उनको आपको प्रयोग करना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, द कार ब्लैंक इन द वे, इसमें ब्रेक का यूज करते हुए, द पुलिस ब्लैंक द राइट्स, इसमें सेंटेंस का जितने भी एक एक वर्ड है उनको अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसका आपको आंसर बना पाओगे, क्योंकि विदाउट ट्रांसलेशन इन चीज़ों का आपको अर्थ समझ नहीं आएगा। पीपल ब्लैंक द फायर सून, पीपल ब्लैंक द फायर सून, पुट
वी इन्फॉर्म्ड सो मैनी पीपल, वी इन्फॉर्म्ड सो मैनी पीपल, बट ओनली टेन ब्लैंक टर्न, द थीफ ब्लैंक द हाउस, द थीफ ब्लैंक द हाउस, and took away all the and took away all the ornaments. A student blank in the morning to study. इसमें ब्रेक एडवर्ब है, ओ सॉरी वर्ब है, जिसको आपको फ्रेजल वर्ब बनानी है. स्टूडेंट ब्लैंक इन द मॉर्निंग टू स्टडी, स्टूडेंट्स ब्लैंक इन द मॉर्निंग टू स्टडी. ठीक है. बिफोर फाइनल लॉन्चिंग ऑफ अग्नि मिसाइल, ऑफ द अग्नि मिसाइल, many experiments were blank carry. He had no alternative. He had no alternative but to with his room partner इसमें आएगा put. ठीक है. अब कार इन द वे, ब्रेक, इसमें एक वर्ब एडवर्ब बन एड और फ्रेजल वर्ब बनती है, वो है ब्रेक से ब्रेक डाउन, खराब हो जाना. ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना. अब यहाँ पर इन द वे खराब हो जाना, तो ये पांच सिंपल में भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको अपन पांच सिंपल में लिखेंगे. रास्ते में खराब हो गई, ब्रोक डाउन. ठीक है. द पुलिस दवाई, ये भी पास्ट में आएगा, लेकिन पुट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, द
तीनों तरीके से पुट पुट होती है, इसलिए पुट डाउन का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोहियों को, विद्रोही, विद्रोह को, विद्रोहियों को दबाया, यानी उनको, उनके जो विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, उसके बाद है फायर को, पीपल ने, लोगों ने जल्दी बुझा दिया। बुझाने की क्या होती है, पुट आउट, पुट आउट यानी बुझाना। फिर है वीन फॉर्म्ड पास्ट टेंस है, तो सो मैनी पीपल, लोगों को हमने इन्फॉर्म किया, लेकिन कुछ बट ओनली 10 लोगों को ही हम अपने पक्ष में ले पाए, तो पक्ष में लेने की होती है टर्न की सेकंड फॉर्म आएगी, इस पास्ट में है टर्न अप। ठीक है, ये भी पास्ट में है टुक अवे। अब ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और इसमें है कि जो थीफ है वो अंदर घुसा घर में और सारे गहने ले गया, तो अंदर जब घुसना, चोरी छिपे जबरदस्ती, तो कुछ दरवाज़ा रास्ता तोड़ के अंदर घुसते हैं, तो ब्रोक इनटू आता है। ठीक है, स्टूडेंट्स, अब ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसमें गेट अप आ जाएगा, स्टूडेंट गेट अप इन द मॉर्निंग टू स्टडी। बिफोर फाइनल लॉन्चिंग ऑफ द अग्नि मिसाइल मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर कैरी, तो कैरी का मतलब जो किए गए यानी संपादित किए गए, तो इसमें आएगा कैरी आउट, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म वर्ब पैसिव वॉइस है कैरिड आउट। ही हैड नो अल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन नहीं है उसको, कोई ऑप्शन नहीं था बट टू पुट, पुट ऑफ विद अलग होना, पुट ऑफ विद हिज रूम पार्टनर। पुट अप बट टू पुट अप विद, पुट अप विद। अब देखिए ये तो चीज़ आपको एग्जाम्पल के बार बार प्रैक्टिस से आएगी, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। जैसे ब्रेक की तीनों फॉर्म होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। कैरी, कैरेड, कैरेड। कम, केम, कम। गेट, गॉट, गॉट या गॉटन भी लिख सकते हैं। पुट की तीनों फॉर्म एक ही है, टर्न, 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 टर्नड और टर्नड। अब ब्रिंग, इसमें फ्रेजल वर्ब में क्या आएगी, इनके बाद प्रपोजिशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आ जाएगा, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, लेकिन टेंस के अनुसार इनकी फॉर्म यूज करना है, अदरवाइज गलत माना जाएगा। यदि प्रेजेंट सिंपल में लिखना है तो ये यूज करें, पास्ट में है तो ये यूज करें, ठीक है, और परफेक्ट में यूज करना हो, ध्यान रखना परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होती है, परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में
परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में इनका यूज करना है। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग होगा। परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और एक बात और है, इसमें यदि कंटिन्यूस टेंस है तो आप इसमें आईएनजी लगाने के बाद, जैसे टर्निंग अप, आईएनजी का प्रयोग कर लिया आपने। अब आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूस में होता है, यानी इजारेम वाज वर, ठीक है, विल बी शैल बी का प्रयोग हो रहा है। ये ध्यान रखना कि विल बी शैल बी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में भी बी लग जाता है और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी बी लगता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो डूअर मेन सब्जेक्ट है या नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये आपको टेंस ही, टेंस के अलावा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कैन ब्रिंग अप, कुड ब्रिंग अप, तो कैन कुड, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये एक फ्रेजल वर्ब जो होती है मेन वर्ब की तरह काम करती है, जिनका प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है, ये आप ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक दे दिया तो आपको ये ब्रोक यूज़ नहीं करोगे आप, या ब्रोकन यूज़ नहीं करोगे, टेंस के अनुसार ये बदल जाएंगे। टेंस के अनुसार वर्ब बदल जाएगी, इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगी वो उसका तो अलग मीनिंग निकलेगा जो आप लर्न कर रहे हो, लेकिन आपको टेंस के रूल ध्यान रखने हैं, ये आप ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी ये फ्रेजल वर्ब गलत मानी जाएगी। जैसे मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, अब मॉडल के साथ यानी पैसिव बन रहा है तो मॉडल के साथ प्लस बी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस इन्फिनेटिव है, ठीक है, या फिर फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव के तौर पर है, ठीक है, जिसमें भी कभी कभी हम आईएनजी का यूज करते हैं, या आईएनजी एज इन नाउन का यूज करते हैं, जैसे bringing up the children is a duty of parents, यानी बच्चों का लालन पालन करना, bringing up the children। अब यहाँ पे एज ए आई एन जी नाउन के तौर पर यूज हो गई है ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, लालन पालन करना, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो इस प्रकार से आपको बहुत तरीके से फ्रेजल वर्ब इतनी आसान नहीं है इनका, जैसे आप मीनिंग भी याद कर लोगे, ठीक है, आपने मीनिंग याद कर लिया, लेकिन आपको वही टेंसों के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से यूज़ करना है। मानते हैं कि आपके केवल चार ही टॉपिक हैं जो दो दो नंबर के हैं शायद,
मगर इतने आसान नहीं है, इनका यूज इतना आसान नहीं है, इनका यूज इतना आसान नहीं है, मगर आप इनके बेसिक्स को समझेंगे तो एक तरीके से इसमें सारी ग्रामर ही आ रही है।